तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यमदा के जो डैड होते हैं वो सबको बलि दे रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका मानना होता है कि वो जो है पेनलेस डेथ देना चाहते हैं सबको। फिर हम यहाँ देखते हैं इस क्रिमिनल को यहाँ पे सजा देने वाले होते हैं जो उसके डैड देते हैं यमदा के। यमदा यहाँ बहुत छोटी होती है जो इन सब चीज़ों को देख रही होती है। वो चाहती है कि वो भी अपने डैड की तरह बड़ा हो जाए और वैसे ही बने। वो इस बात से इंस्पायर होती है कि वो जो है एक बंदे को पेनलेस डेथ देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे यमदा भी एक पेनलेस डेथ देना सीख जाती है, जिससे कि वो एक बंदे को मार रही होती है। पर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी की बलि देते हैं तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसको बहुत परेशान करती है, जिससे कि यमदा भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि यमदा के पास जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है उस एनिमी का असली रूप। यमदा बहुत ट्राई करती है कि वो अपने अंदर के फियर को एलिमिनेट कर ले, बट वो एलिमिनेट होता ही नहीं है। यहाँ पे राजा आदेश देता है कि उसके यहाँ पे जितने भी टेरिटरी के अंदर क्रिमिनल्स है उनको यहाँ पे लेके आया जाए, क्योंकि उन्हें जो है एक्सलरी ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें सबको मारने का शौक होता है, वो मार मार कर बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गापी मारू भी यहीं पे होता है। यहाँ पे जो राजा होता है वो चाहता है कि सभी को एक्सलरी ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए दिया जाए। एक्सलरी ऑफ लाइफ को पाकर वो जो है अमर होना चाहता है, और वो जो कहता है कि जितने भी क्रिमिनल है उन सबको माफ कर दूंगा, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। इसीलिए गाबी मारू भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि वो अपने वाइफ के साथ जीना चाहता है। अभी हम देखते हैं कि पीछे से गाबी मारू को एक लड़की आवाज देती है। वो कहती है कि तुम ही हो गाबी मारू दी होलो, मैं तुम्हारे बालों को देखकर समझ गई थी। वो कहती है कि तुम अपने काम के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस हो। तभी यहाँ पे यमदा सोचती है अपने तलवार के अंदर देखने के लिए कि वो जो है गाबी मारू किस तरह का बंदा है। तो उसे पता चलता है जो गाबी मारू है वो बहुत ज्यादा ही ईवल है और एक मॉन्स्टर है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही चौंक जाती है। देखते हैं राजा आदेश देता है कि यहाँ पे वो बंदा है जो अभी करंटली में गया हुआ था वहाँ पर, और उसका हाल ये है, इसके साथ जो है 60 बंदे गए हुए थे बट वो मिसिंग में है। यहाँ पे उसे देखकर ये जो सारे क्रिमिनल होते हैं बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते वहाँ पे। तभी एक क्रिमिनल उठता है, कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं गिव अप कर देता हूँ यहाँ पे, मैं अपने बेटे के साथ ही मरना चाहूंगा। तभी हम देखते हैं उसे पीछे से एक तलवार से काट दिया जाता है। से काटने का कारण ये है क्योंकि ये सारे क्रिमिनल होते हैं तो राजा इन्हें मौत की सजा ही देने वाला होता है, बट उससे पहले वो उन्हें चांस देता है कि वो एक्सलरी ऑफ लाइफ को ढूंढ के ले आए। बट वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हें मॉनिटर करने के लिए यमदा और उसकी टीम भी जाएगी, अगर तुमने रास्ते में कोई गलती करी तो यमदा तुम्हारे एक ही वार में तुम्हारे सर को काट देगी। तो इसलिए तुम लोग कुछ फनी आइडिया ट्राई करने का मत करना, क्योंकि बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। तभी हम देखते हैं कि राजा जो होता है अपने एक बंदे को बुलाता है और बोलता है कुछ उसके कानों में। तभी वो कहता है, अनाउंसमेंट देता है लोगों को, बताता है कि जिस शिप से हम जाने वाले हैं उसमें इतने सारे बंदे नहीं आ सकते, तो हमें जो है संख्या कम करनी पड़ेगी। संख्या कम करने का मतलब यह है कि वहाँ पे बंदे बचूच बैठे हुए हैं, उन बहुत सारे बंदे हैं तो उनमें से किसी को मारना पड़ेगा। उसके ऐसा बोलते ही उनमें से एक जो क्रिमिनल होता है एक दूसरे क्रिमिनल को गला पकड़ के मार देता है जान से। फिर वो क्रिमिनल बोलता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार दे, इसलिए मैंने इसे मार दिया। यहाँ दूसरा क्रिमिनल खड़ा होता है, उसे तो वो पत्थर के साथ ही बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ सब लोग आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिर में जो है वो 10 लोग ही होते हैं जो यहाँ से जा सकते हैं। तभी एक दो बंदे कहते हैं कि इसकी स्वॉर्ड लेकर हम सबको जल्दी मार सकते हैं। वो यहाँ यमदा की तलवार की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ यमदा की तलवार जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ जो गाबी मारू होता है वो राजा को बोलता है, हम दूसरे को मारना जरूरी है क्या, हम ऐसे नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि जो दो क्रिमिनल होते हैं वो यमदा की तरफ जा रहे होते हैं, बट यहाँ यमदा का दोस्त कहता है कि क्या तुम उन्हें मारना चाहोगी। यहाँ यमदा कहती है कि तुम रुक जाओ, मैं इन दोनों को एक साथ ही मार देती हूँ। तभी हम देखते हैं यमदा जो होती है यहाँ तलवार लेकर इन तीनों का गला जो है वो काट देती है। आपको इस एपिसोड को देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं इसे कंटिन्यू ना करूं, क्योंकि इस एनिमेशन में बहुत सारा जो होता है ब्लड दिखता है, इसलिए मैं इसे ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ। को ब्लड देखकर कुछ दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं ये सीन हटा सकूँ।
हम देखते हैं यहाँ गावी मारू राजा से बोल रहा होता है कि इंसानों को मारना जो होता है कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती है, इसलिए आप इन सबको माफ़ कर दें और जो जा सकता है उन्हीं को ले लें। तभी हम देखते हैं इसके ऊपर पीछे से दो बंदे आ जाते हैं मारने के लिए इसे। अबे गावी मारू कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं बचा है। वो उन सबको मना करता है मारने से, बोलता है कि तुम इस तरह के बंदे नहीं हो जो तुम किसी को भी बिना मतलब के मार दो, और अगर तुम मुझे फिर भी मारना चाहते हो तो मेरे पास भी कोई चोज नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे गावी मारू जो होता है बहुत ही बेदर्दी से मारता है, क्योंकि उसका नाम जो होता है गावी मारू दी होलो होता है, और इतनी जल्दी वो हार मानने वालों में से नहीं होता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छुपा होता है, जिसे देख कर यहाँ राजा कहता है कि ये तो एम मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं यहाँ जो होती है यमादा सोचती है कि मैं अपने स्वॉर्ड के अंदर देखती हूँ कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर दिखा रहा होता है कि गावी मारू जो है एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो चुका हुआ होता है, जिसे कंट्रोल करना यहाँ पे किसी के बस की बात नहीं होती है। तभी उसका दोस्त कहता है इसके मारने का तरीका बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आखिर में सिर्फ 10 बंदे बचे हुए होते हैं जो सबको मार कर बचे हुए होते हैं, और ये सब जो है चले जाते हैं एक्सरी ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आइसलैंड की तरफ चले जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।